हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नाइफ आउट मूवी का रिव्यू। नाइफ आउट दोस्तों 29 नवंबर को भारत में रिलीज हो रही है। एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में कई बड़े बड़े चेहरों ने काम किया है, जैसे डैनियल क्रैग, क्रिस एवान, कैथलीन लैंगफोर्ड, एना डी आर्मस ने काम किया है और इस फिल्म को राइन जॉनसन ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने स्टार वॉर एपिसोड 8 और 2005 में रिलीज हुई द ब्रिक मूवी को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी दोस्तों हालन थ्रोम्बे से शुरू होती है, जिनका रोल क्रिस्टोफर प्लमर निभा रहे हैं। हालन थ्रोम्बे एक ही बहुत बड़े बुक नॉवलिस्ट हैं और उनके 85th बर्थडे पर उनका पूरा परिवार उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो जाता है, पर बर्थडे की रात को ही हालन की मौत हो जाती है। हालन की इस अचानक हुई मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है, जिसका रोल डैनियल क्रैग निभा रहे हैं। और जब वह डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसे पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि हालन ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि हालन का तो एक कत्ल हुआ है। और डिटेक्टिव को शक होता है कि यह कत्ल हालन के परिवार में से किसी एक शख्स ने ही किया है, उनकी प्रॉपर्टी के लालच में आकर, और जिस वजह से वह पूरे परिवार पर एक एक करके शक करने लगता है। और फिर डिटेक्टिव थ्रोम्बे फैमिली के एक एक शख्स से मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जैसे जैसे डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो थ्रोम्बे परिवार के एक एक करके पत्ते भी खुलने लगते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको इस फिल्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस फिल्म की जो इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों वो तो बहुत ही कमाल है। जब आप इस इन्वेस्टिगेशन को खुद देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप कहोगे क्या फिल्म है। नाइफ आउट दोस्तों 2019 की सबसे खतरनाक मूवी है। इस फिल्म की जितनी भी तारीफ क्यों न की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ साथ कॉमेडी भी भरपूर दी गई है। मैंने अब तक ऐसी फिल्म नहीं देखी जिसमें सस्पेंस थ्रिल भी चल रहा है, ऊपर से साथ में उसकी कॉमेडी भी दी गई हो। इस फिल्म से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपको कुछ कुछ मिनट में आपको कमाल के कॉमेडी डायलॉग सुनने को मिलेंगे और एक नई तरीके की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। वैसे तो इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, पर डैनियल क्रैग के बाद में को जिस एक्टर की एक्टिंग पसंद आई है वो है क्रिस इवान, यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका। उन्होंने जो एक्टिंग की है वो तो बेमिसाल है। उनके डायलॉग्स, उनके फेस एक्सप्रेशंस और उनका बात बात में जिस मर्जी को चाहे इंसल्ट कर देना वो तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि क्रिस इवान से कोई और एक्टर इस रोल को बेहतर तरीके से कर सकता। वैसे ये फिल्म जो है इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, सिर्फ इंग्लिश में ही की गई है, पर अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस तरह की कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर एक्शन से भरी हुई मूवी पता नहीं फिर कब आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।